Hello everyone, this is Mansi from inindyati.in. We are starting with chapter number 4, simple equation. So, question number 1, 4.1. Say whether the situation is satisfied, yes or no. So, aapko ye equations de rakhi hai aur saath mein values given hai. Fine. So, this is the equation aur saath mein aapke paas values hai. So, aapko equation ke andar in values ko put karke dekhne ki jo answer de rakhe hai wo correct hai ya nahi. So, we'll start with the first part. तो इसमें हमें गिवन है x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, मतलब कि पहले लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं, तो वो हो गया h प्लस 3, यही है. अब हमें दे रखी है x की वैल्यू 3, सो मतलब जहां पे x है वहां पे मुझे 3 पुट करना है. सो अगर मैं यहाँ पे 3 पुट करती हूँ, सो 3 प्लस 3 इज 6, 3 प्लस 3 6, और हमारे पास आर एच इसमें क्या है, जीरो. यहाँ पे जीरो गिवन है, सो मतलब एल एच एस इज नॉट इक्वल टू आर एच एस, मतलब इसका आंसर क्या हो गया, नो. ठीक है, बिकॉज हमारा सिक्स आया और यहाँ पे जीरो दे रखे, विच इज नॉट इक्वल. सेकेंड पार्ट पे आ जाते हैं, एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू 0, अगेन एल एच एस गिवन है एक्स प्लस 3, और अब हमें एक्स की वैल्यू कितनी गिवन है, जीरो. सो अब जहां पे x है वहां पे मैं जीरो कर दूंगी प्लस 3. ठीक है, सो ये हो जाएगा जीरो प्लस 3 3. अगेन आर एच एस क्या दे रखा है, आर एच एस गिवन है जीरो, लेकिन हमारा क्या आया है 3, मीन्स अगेन एल एच एस इज नॉट इक्वल्स टू आर एच एस. ठीक है, अगेन तो इसका भी आंसर हो जाएगा नो. देन कम्स द थर्ड पार्ट. थर्ड पार्ट भी सेम इक्वेशन है जिसमें एल एच एस है हमारे पास एक्स प्लस 3. ठीक है, अब हमें एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है, माइनस 3. सो यहाँ पे एक्स की जगह मुझे माइनस 3 लिखना है, सो दिस इज माइनस 3 प्लस 3 इक्वल्स टू, नाउ आपने ये पढ़ा होगा, प्लस माइनस 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 प्लस माइनस प्लस 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 एंड माइनस माइनस प्लस. ठीक है, सो इस क्राइटेरिया से ये माइनस है ये प्लस है, माइनस प्लस माइनस, सो 3 में से 3 गए जीरो. अब हमारे पास क्या आया है, जीरो, और एल एच एस क्या, आर एच एस क्या गिवन है, जीरो. सो नाउ पहले तो आर एच एस लिख देंगे, आर एच एस इज जीरो. अब एल एच एस को सॉल्व करके भी जीरो आ रहा है और आर एच एस भी जीरो है, मीन्स एल एच एस इज इक्वल्स टू आर एच एस, मीन्स दिस इक्वेशन इज नाउ सेटिस्फाइड. तो इसका आंसर हो जाएगा यस. थर्ड पार्ट का हो गया यस. नाउ कमिंग टू द फोर्थ पार्ट. फोर्थ पार्ट में हमारे पास इक्वेशन है एक्स माइनस 7 इक्वल्स टू 1. सो पहले लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, दैट इज एक्स माइनस 7. ठीक है, अब इसमें हमें एक्स की वैल्यू क्या गिवन है, 7. सो यहाँ पे जो x है उसमें 7 पुट करेंगे, दिस विल बी 7 माइनस 7, 7 माइनस 7 इज 0. सो अब देखते हैं आर एच एस हमें क्या गिवन है, राइट हैंड साइड पे क्या है, 1. सो हमारा सॉल्व करके वैल्यू पुट करके 0 आया है और आर एच एस में 1 गिवन है, मीन्स अगेन एल एच एस इज नॉट इक्वल टू आर एच एस, ये भी हो जाएगा नो. मतलब कि ये वैल्यू डाल के इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं है. देन कम्स दी फिफ्थ पार्ट. फिफ्थ पार्ट में फिर से हमारे पास सेम इक्वेशन है, एक्स माइनस 7 इक्वल्स टू 1. सो लेफ्ट हैंड साइड एक्स माइनस 7. अब हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या है, 8. सो 8 माइनस 7. ठीक है, x की जगह मैंने 8 लिख दिया, माइनस 7 करेंगे, नाउ 8 माइनस 7 इज 1 और आर एच एस आपको क्या गिवन है, 1. सो मीन्स यहां पे हमारे साथ हो गया एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस, मीन्स यस, बिकॉज नाउ द सिचुएशन और द इक्वेशन इज सेटिस्फाइड, बिकॉज एल एच एस इज इक्वल्स टू आर एच एस, जो हमने वैल्यू डाली उससे आंसर आ गया. सिक्स पार्ट में हमारे पास है 5x इक्वल्स टू 25.
5 और x की वैल्यू 0. सो पहले लेफ्ट हैंड साइड देख लेते हैं, इट इज 5x. लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है? 5x. सो अब x की वैल्यू हमें 0 पुट करनी है. 5x का मतलब क्या है? 5 × x. सो अगर x की वैल्यू 0 है तो ये हो गया 5 × 0 विच इज 0. 5 × 0 इज 0. अब यहाँ पे हमारे पास RHS में था क्या? 25. सो मीन्स LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS. सो ये पार्ट भी हो जाएगा नो. ठीक है, देन कम्स द नेक्स्ट पार्ट. सेवेंथ पार्ट में हमारे पास सेम सिचुएशन है, 5x इक्वल्स टू 25. सो इसका लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं, दैट इज 5x. और अब हमें x की वैल्यू क्या दी है? अब x की वैल्यू है 5. सो 5 × x की जगह 5 लिख देंगे. सो 5 × 5 इज 25. सो ये हो गया 25. नाउ RHS क्या गिवन है? 25. मीन्स LHS इज इक्वल्स टू RHS. द इक्वेशन इज यस, बिकॉज हम हमारा LHS RHS इक्वल आ गया. नाउ कमिंग टू द एट्थ पार्ट. एट्थ पार्ट के अंदर फिर से सेम इक्वेशन है, 5x इक्वल्स टू 25. सो वी राइट द इक्वेशन एज, पहले उसकी LHS लिखेंगे. लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास है 5x. ठीक है, x की वैल्यू कितनी पुट करनी है? -5. सो x की वैल्यू हो जाएगा 5 × −5. नाउ 5 × 5 इज 25, बट यहां पे प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस. सो ये आ जाएगा −25. और हमारे पास RHS में क्या है? सिर्फ 25. ये −25 है, ये 25 है, मींस ये दोनों इक्वल नहीं है. सो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS. देयरफॉर द आंसर इज नो. ठीक है, नाउ लेट्स डू द रिमेनिंग पार्ट्स. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द नाइन्थ पार्ट. नाइन्थ पार्ट में हमारे पास है m/3 = 2. सो पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे m/3. ठीक है, सो m/3 आपको इक्वल्स टू दे रखे 2 के, और m की वैल्यू क्या गिवन है? -6. सो पुट करके देखते हैं हम, अब m की जगह −6/3. 3 के टेबल में 6 कब आता है? कट हो सकते हैं, तो 3 × 2 = 6, बट माइनस का, क्योंकि माइनस का साइन है. ओके, सो यहां पे हमें क्या दे रखा है? इक्वल्स टू टू, लेकिन हमारा क्या है? -2. मींस LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, हेंस इसका क्या हो जाएगा? नो. ठीक है, नाउ टेंथ पार्ट में अगेन सेम इक्वेशन है आपके पास. सो इसका लेफ्ट हैंड साइड है m/3. अब हमें m की वैल्यू 0 दी है. सो अगर मैं m की जगह 0 लिखती हूँ और ये अपॉन 3 है, सो इसका तो कुछ भी आंसर नहीं आएगा, ये इन्फिनिटी होगा. फाइन, सो 2 आंसर नहीं आया, मींस LHS इज अगेन नॉट इक्वल्स टू RHS. सो द आंसर इज नो. ठीक है, कमिंग टू द 11th पार्ट. m/3 = 2, अगेन सेम इक्वेशन. सो इसकी लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी m/3. अब हमें m की वैल्यू क्या गिवन है इसमें? 6. सो m की जगह 6 लिखा, upon 3. अगेन ये कट हो जाएंगे, इट विल गिव मी आंसर 2. सो नाउ 2 मींस कि हमारा RHS आ गया. सो इन दिस सिचुएशन LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस आंसर इज यस. ठीक है, सो दिस वॉज अबाउट क्वेश्चन नंबर 1. इसमें आपको पता चल गया कि हम सिंपल इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं. नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 2.